फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन आइकन के बारे में। जैसे कि हम नोटिफिकेशन आइकन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको दोबारा से स्टेटस बार पे जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन आइकन, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, शो आइकन यानी कि नोटिफिकेशन को आप आइकन में शो करना चाहते हैं या फिर नंबरिंग में शो करना चाहते हैं, देखिए शो नंबरिंग यानी कि नंबर में शो करना चाहते हैं या फिर डू नॉट शो करना चाहते हैं, डू नॉट शो कर सकते हैं। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकन, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।